अब तक जोधपुर ही नहीं बल्कि सभी को यह जानकारी थी कि भांग का उपयोग केवल नशे के लिए किया जाता है, मगर अब भांग पीने के लिए नहीं बल्कि इसके पौधे से बना कपड़ा पहन सकते हैं। ऐसा ही नवाचार करते हुए एक बात संभव कर दिखाया जोधपुर के युवा ने, जिन्होंने हेम्ब्रिक्स ब्रांड के नाम से भांग के पौधे से बने कपड़ों को बेचने के साथ हेम्ब्रिक्स के संस्थापक राहुल सुथार व सुनील सुथार ने बताया कि गांजा के पौधे से पत्ती भांग बनती है, जबकि गांजे के पौधे के तने से निकालने वाले रेशों का धागा बनाकर उसके प्रोसेस कर कपड़ा बनाया जाता है। यह कपड़ा मेड इन इंडिया, ऑर्गेनिक व केमिकल रहित होने के साथ ही एंटी बैक्टीरिया व हर धुलाई के लिए इसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। मेरा नाम सुनील सुथार, मैं हेम्ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं और मेरे छोटे भाई ने मिलकर ये साथ में एक ये नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसमें हम भांग यानी हेम्प प्लांट को ही हम भांग के नाम से जानते। उसका जो पेड़ का जो तना होता है, उस तने से हम रेशे निकालते, उस रेशे से धागा बनाया जाता। धागा बनाने के बाद में उसका एक नॉर्मल कई कपड़ा और फैब्रिक वो सब रेडी होता है, और उसे हम ये रेडी टू वेयर और ई कॉमर्स के थ्रू हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और अभी यहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं या पोलोग्राम। जिस भांग से अपन फैमिलियर है वो वही है, बट ये भांग भी ऐसे मतलब वो उसी प्लांट की स्पीशीज ही है। वैसे ही उसमें एक वो हेम्प प्लांट होता है, तो मतलब दोनों प्लांट्स के अंदर मतलब अगर आप बात करें तो फर्क दोनों के अंदर कोई ऐसा ये नशा वगैरह ये नहीं होता, लेकिन उसको लोकल हिंदी लैंग्वेज में अपन उसको भांग के नाम से जानते हैं। वही उस पेड़ है, लेकिन उस पेड़ के ही मल्टीपल यूजेस है, जैसे ही उसके तना एक फैब्रिक के लिए एक बहुत ज़्यादा एक अपने यूज है, और कपड़ा ब्रीदेबल है बहुत ज़्यादा, कि मतलब आपको ठंडी में गर्म और सर्दी में ऐसे ही मतलब ठंडा रखता है, वो सारी चीज़ें। और बायोडिग्रेडेबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। मतलब कॉटन से अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो एक कॉटन रफली अराउंड एक शर्ट मतलब वो कॉटन को उगाने में 2600 लीटर या प्लस रफ एन आइडिया वैसे पानी लगता है। लेकिन वही सेम चीज़ हेम्प की बात करें तो हेम्प में उतना पानी ना पानी यूटिलाइज होता है, ना ही उतना फर्टिलाइजर्स और वो सारी चीज़ें। और फैब्रिक की अगर बात करें तो इसका धागा कॉटन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है। और त्वचा के लिए है, आपको ये आप नॉर्मल पहन के ऐसे ये देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर, और जैसे जैसे कपड़ा वॉश होता है और धुलता रहेगा ये और ज़्यादा सॉफ्ट होता रहेगा। और ये एक सॉफ्टनेस अगर बात करते हैं अपन इसके टच और फील की, तो ये एक तरह से लीलन से ही मिलता जुलता है। सेम लीलन भी एक वैसे प्लांट की स्टेम से ही आता है, ये भी सेम इसकी प्रॉपर्टी नेचर उसी टाइप का है। कपड़े की रेट्स बात करें तो कितने क्या रेट्स की अगर अपन बात करें तो रेट स्टार्ट हो जाती है 850 to 2000 के बीच में पर मीटर, ये रेट्स ऐसे ही रहती है। तो वो आप कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉम्बिनेशंस पे ऐसे हो जाते हैं। जैसे अब ये शर्ट जो बना हुआ है ये भांग और बांस का मिक्स कपड़ा है, वो सारी चीज़ें। ये 100% नेचुरल हेम्प है, और इसको हमने डिजिटली ये नेचुरल डाइज और वो सारी यूज़ करके वो प्रिंट ऐसे हो। एक शर्ट की प्राइस 3000 से स्टार्ट हो जाती है, और कुछ अगर आप नॉर्मल इसके अंदर कॉटन ब्लेंड लेते हो तो वो सिग्निफिकेंटली और नीचे ऐसे अफोर्डेबल ऐसे हो जाता है। और हमारा पूरा विजन यही है हेम्प को अफोर्डेबल क्लोथिंग बना के एक वापस एक लॉस्ट ग्लोरी अपन अडॉप्ट करें। बिल्कुल विदेशों भी जाता है सारी चीज़ें। और बात कर लेते हैं ऐसे यहाँ अगर इंडिया की, तो इंडिया में ये हर पूरे इंडिया में यहाँ पे ऐसे ये हर स्टेट में कल्टीवेट नहीं होता। कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे ये लीगल कर दिया, मोस्टली उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे जहाँ पे ये लीगल है वहाँ पे आप इसका फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे कल्टीवेट ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ से आप धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर एक ये लहर सी होगी हेम्प को पूरा वापस अडॉप्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस पर लॉज और सिग्निफिकेंटली थोड़े स्ट्रिक्ट से हट के एक नॉर्मल इसको कस्टमर फेवरेबल और वो सारी चीज़ बन रहा है। तो मतलब अडॉप्टेबल हो रहा है।